नमस्कार, आज की वीडियो में बात करेंगे ब्लड डोनेशन यानी कि रक्तदान के बारे में और समझेंगे कि रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेशन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से हमारे बॉडी से ब्लड को निकाला जाता है, ब्लड डोनेशन के वक्त या फिर रक्तदान के वक्त कौन कौन से टेस्ट हमारी बॉडी में कराए जाते हैं, क्या क्या कंडीशन या फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में ब्लड डोनेशन के लिए। लोगों के अंदर एक मिथक बना हुआ है कि भाई जब हमारे बॉडी से ब्लड निकाला जाता है तो हमारे अंदर एक बीमारी हो जाती है, हमें पीलिया जैसा रोग हो जाता है, हमारे अंदर रक्त अल्पता की समस्या हो जाती है। या लोगों का एक सवाल भी होता है कि जब हमारे बॉडी से ब्लड निकल जाता है तो ऐसे में कितना दिनों में हमारी बॉडी इस ब्लड को रिकवर कर लेती है या फिर पुराना जो अमाउंट होता है ब्लड को उसको रिकवर करने में कितना समय लगता है। इन चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ हम समझेंगे कि किन व्यक्तियों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए और किन व्यक्तियों को ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए, यानी कि किस उम्र के बाद हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए और किस उम्र के बाद हमें ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो हमारा सवाल आता है कि किस उम्र के बाद हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष जब 21 वर्ष की उम्र का हो जाता है तो ऐसे में वो ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी कि वो एलिजिबल हो जाता है ब्लड डोनेशन यानी कि रक्तदान के लिए। साथ ही साथ उसके अगर बॉडी वेट की बात करें तो उसका बॉडी वेट बेसिकली 50 kg के अप्रॉक्स होना चाहिए, यानी कि 50 kg से लगभग अब भी होना चाहिए। इससे कम बॉडी वेट अगर हुआ तो आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते या फिर आपको ब्लड डोनेशन बेसिकली या रक्तदान आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बता दें कि हमारी बॉडी में कितना ब्लड मौजूद रहे कि हम ब्लड डोनेशन कर सकें यानी कि रक्तदान बेसिकली कर सकें, तो हमारी बॉडी में 8-12 यानी कि 8 से 12 यूनिट ब्लड अगर मौजूद है तो ऐसे में हम रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। अब इसमें एक बड़ा सवाल आता है कि जो भी लोग शराब पीते हैं, जो भी लोग किसी ड्रग्स का सेवन करते हैं, निकोटीन वगैरह लेते हैं, क्या वो लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हैं यानी कि रक्तदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति 3 महीने पहले तक, ठीक है, 3 मंथ्स पहले तक अगर कोई व्यक्ति किसी तरह के निकोटीन का, किसी तरह के ड्रग्स का, किसी तरह के अल्कोहलिक आइटम का सेवन नहीं किया होता है, यानी कि अगर उसे पिछले 3 महीनों से अगर उसने किसी तरह के निकोटीन या किसी तरह के मादक पदार्थों का सेवन नहीं किया है तो ऐसे में वो ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर वो पिछले 1 महीने पहले अगर उसने किसी तरह के मादक पदार्थ का सेवन किया है, 2 महीने पहले किया, या फिर कह लें कि 3 महीने का गैप अगर नहीं हुआ है तो ऐसे में वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन, किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन पाया जाता है, किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन पाया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह कोई गंभीर समस्या होती है, आपको कैंसर की समस्या है, आपको और कोई क्रिटिकल बीमारी है तो ऐसे में भी आप बेसिकली ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि ब्लड डोनेट किसे करना चाहिए या किसे नहीं करना चाहिए, यानी कि रक्तदान किसे करना चाहिए या फिर किसे नहीं करना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल आता है कि ब्लड डोनेट हमें करना क्यों चाहिए या फिर हमें रक्तदान करने की आवश्यकता क्या है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास में जब भी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गंभीर चोट लग जाती है, या किसी व्यक्ति का जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन होना होता है, किसी तरह का लीवर का ऑपरेशन होना है, हार्ट का ऑपरेशन होना है, या अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की गंभीर समस्या है, कोई क्रिटिकल बीमारी हो गई, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर ब्लड की आवश्यकता बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी व्यक्ति का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे में उसका खून काफ़ी हद तक खून बह जाता है, तो ऐसे में उसे अलग से खून की रिक्वायरमेंट हो जाती है क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी खून को बनाने में असक्षम होती है, तो ऐसे में जो उसके अंदर खून की आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं बाहर से करनी पड़ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ अगर आपको किसी तरह कोई गंभीर समस्या हो गई, कोई गंभीर बीमारी हो गई है, तो ऐसे में आपकी बॉडी में बेसिकली ब्लड का फॉर्मेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपके अंदर 8-12 यूनिट से नीचे यानी कि इससे बिलो की कंडीशन में ब्लड रहता है। मान लीजिए कि 4 यूनिट अगर आपके अंदर ब्लड बचा हुआ तो ऐसे में आपके अंदर रक्त अल्पता हो जाएगी, आपके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो सक्षम ही नहीं हैं ब्लड को बनाने में, तो ऐसे में भी आपको बेसिकली किसी पेशेंट को ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ जब किसी का कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा होता है, किसी तरह का क्रिटिकल ऑपरेशन हो रहा होता है, तो ऐसे में उसे अलग से ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। होता क्या है कि जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है किसी पेशेंट का, जब भी कोई क्रिटिकल ऑपरेशन हो रहा होता है, तो ऐसे में उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन वो ठीक ढंग से मेंटेन नहीं हो पाता या फिर उसके अंदर से काफ़ी हद तक ब्लड बह भी जाता है।
उसकी वजह से उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे या फिर उसके अंदर ब्लड की कमी ना होने पाए, उसे अलग से ब्लड बेसिकली दिया जाता है। अब सवाल आता है कि जब भी कोई ब्लड किसी बॉडी से निकाला जाता है तो क्या डायरेक्टली उसे पेशेंट को दे दिया जाता है कि उसे कुछ देर रखा जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड होता है उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट मौजूद होते हैं। जैसे कि पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है प्लेटलेट्स होती हैं, इसके अंदर प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है ना, इसके अंदर प्लेटलेट्स मौजूद होती हैं। इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा मौजूद होता है, प्लाज्मा मौजूद होता है, और इसके अंदर बेसिकली आरबीसीज मौजूद होती हैं, आरबीसीज मौजूद होती हैं, इसके अंदर डब्ल्यूबीसीज मौजूद होती हैं। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट बेसिकली ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं जिनको अलग अलग करके भी पेशेंट को दिया जाता है। मान लीजिए किसी पेशेंट को सिर्फ प्लेटलेट्स की आवश्यकता है, तो ऐसे में जो भी ब्लड किसी व्यक्ति के अंदर से निकाला जाता है, जो भी व्यक्ति रक्तदान करते हैं, तो ऐसे में उस ब्लड के अंदर से इन सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग करके रख लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को प्लेटलेट्स की जरूरत है, उसे प्लेटलेट दे दिया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ब्लड प्लाज्मा की आवश्यकता है, तो उसे ब्लड प्लाज्मा दे दिया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्लाज्मा और आरबीसी दोनों की आवश्यकता है, तो उसे दोनों का अमाउंट दे दिया जाता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सारी ही चीजों की जरूरत है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को पूरा ही ब्लड बेसिकली दे दिया जाता है। लेकिन आप एक बात को और समझ लें कि जब भी किसी डोनर के अंदर से, जो भी व्यक्ति ब्लड डोनेशन के लिए आया है, जो भी व्यक्ति रक्तदान कर रहा है, उसके अंदर जब ब्लड को निकाला जाता है, तो उसे डायरेक्टली ही किसी पेशेंट को नहीं दिया जाता है। जब भी व्यक्ति के अंदर से ब्लड निकाला जाएगा, तो उसे ले जा करके अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग करके बेसिकली उसे ब्लड बैंक में स्टोर कर लिया जाता है। जब किसी पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता होती है या फिर ब्लड के किसी अलग अलग कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को वो सारी चीज़ें या फिर ब्लड की सप्लाई बेसिकली की जाती है। तो इस तरीके से ब्लड की सप्लाई किसी पेशेंट को दी जाती है या फिर किसी पेशेंट को बेसिकली ब्लड की यानी कि खून की आपूर्ति इस तरह से की जाती है। अब इसमें एक बड़ा सवाल आता है कि जो कोई डोनर होता है, जो कोई रक्तदान कर रहा होता है, तो उसके अंदर से कितने अमाउंट में ब्लड निकाला जाता है और साथ ही साथ कौन कौन से टेस्ट बेसिकली किए जाते हैं ब्लड डोनेशन के वक्त में। देखिए, अगर बात करें ब्लड डोनेशन के बारे में, तो ब्लड डोनेशन के वक्त में जो टेस्ट किए जाते हैं, तो बेसिकली हमारा सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, यानी कि हमारा बीपी चेक किया जाता है। ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन है या फिर नहीं है उसको चेक करते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति का ब्लड ग्रुप भी चेक किया जाता है, और उसके अंदर जो RH फैक्टर है, RH नेगेटिव है, RH पॉजिटिव है, इसको भी चेक करते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को किसी तरह कोई गंभीर बीमारी नहीं है, व्यक्ति ने किसी तरह का नशा नहीं किया है, इन सभी चीज़ों को टेस्ट करने के बाद ही किसी व्यक्ति के अंदर से ब्लड को निकाला जाता है। अब बात आती है कि कितना अमाउंट ब्लड किसी व्यक्ति के अंदर से निकाला जाता है, यानी कि जो भी डोनर होता है उस व्यक्ति के अंदर से कितने मात्रा में ब्लड निकाला जाता है जब वो व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा होता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब भी कोई व्यक्ति 21 वर्ष का हो जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, और साथ ही साथ अगर उसका बॉडी वेट 50 किलो या फिर 50 किलो से ज़्यादा है, तो ऐसे में वो ब्लड डोनेट कर सकता है। और एक बात और मैंने बताई कि उसके अंदर ब्लड का जो मात्रा है बेसिकली 8 से 12 यूनिट ब्लड उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन अगर मिलती है, इस तरह की प्रॉपर कंडीशन अगर मिलती है, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति के अंदर से बेसिकली 500 से 1000 ml, ठीक है ना, 500 से 1000 ml तक का ब्लड निकाला जाता है, यानी कि आधा लीटर से एक लीटर तक ब्लड किसी भी व्यक्ति के अंदर से निकाला जा सकता है। इससे ज़्यादा ब्लड कभी भी निकाला नहीं जाता है। अगर इससे ज़्यादा ब्लड किसी व्यक्ति के अंदर, किसी भी स्वस्थ मनुष्य के अंदर से निकाल लिया जाता है, तो ऐसे में वो व्यक्ति बीमार हो सकता है या फिर उसके अंदर खून की कमी हो सकती है, और भी कई सारी कमियाँ बेसिकली इस वजह से हो सकती हैं अगर किसी व्यक्ति के अंदर से एक लीटर से ज़्यादा की मात्रा में खून निकाल लिया जाता है। अब बात आती है कि भाई जब खून निकाल लेते हैं, तो उसकी रिकवरी कितना दिनों में होती है या फिर हम किस तरह से उसकी रिकवरी बेसिकली कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड में बेसिकली कई सारे कंपोनेंट मौजूद होते हैं, प्लेटलेट मौजूद होते हैं, प्लाज्मा मौजूद होता है, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसी होता है, आरएच फैक्टर होता है, आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा इसलिए इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ क्योंकि यही एक लिक्विडी सब्सटेंस है जिसके अंदर ये सारी ही चीज़ें पाई जाती हैं। जो ये आरबीसी होती है वो सेल्स होती हैं, वो छोटे छोटे से कणिकाएँ होती हैं। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो भी कणिकाएँ होती हैं।
प्लेटलेट जो होती हैं वो भी बेसिकली कणिकाएं होती हैं, लेकिन जो लिक्विडी सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी बॉडी में या फिर हमारे ब्लड में वो होता है ब्लड प्लाज्मा। जब भी हमारी बॉडी से ब्लड निकाल लिया जाता है, किसी डोनर की बॉडी से ब्लड निकाल लिया जाता है आधा से एक लीटर, तो ऐसे में हमारी बॉडी में ब्लड प्लाज्मा का अमाउंट घट जाता है, साथ ही साथ और भी चीज़ों का अमाउंट घट जाता है। ब्लड प्लाज्मा की रिकवरी बेसिकली हमारी बॉडी 48 घंटों में कर लेती है। किस कंडीशन में? उस कंडीशन में जब कोई भी व्यक्ति स्वस्थ होता है और ब्लड निकालने के बाद, ब्लड डोनेशन के बाद, वो ठीक ढंग से लिक्विडी सब्सटेंस को लेता है, यानी कि अगर वो जूस पी ले, वो पानी पी ले, तो ऐसे में ब्लड प्लाज्मा का अमाउंट बेसिकली किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी डोनर के अंदर 48 घंटों में उसकी बॉडी पूरा कर लेती है। साथ ही साथ ये जो प्लेटलेट्स हैं, RBC, WBCs हैं, इन सभी को बेसिकली हमारी बॉडी रिकवर करने में 6 से 8 वीक, ठीक है, 6 से 8 हफ्ते बेसिकली लग जाते हैं इन सभी चीज़ों को रिकवर करने में। यानी कि जब भी किसी डोनर के अंदर से ब्लड निकल जाता है आधा से एक लीटर, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्लाज्मा होता है वो 48 घंटे के अंदर ही उतने अमाउंट में बन जाता है जितना अमाउंट प्लाज्मा बाहर निकला था। साथ ही साथ ये जो प्लेटलेट्स हैं, RBC, WBC हैं, इन सभी को बनने में 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। अब एक सवाल आता है कि भाई हम किस तरह से अपने बॉडी को मेंटेन करें, या फिर ब्लड डोनेशन के बाद हम किस तरह से अपने अंदर इस तरह की बेसिकली रिकवरी कर सकते हैं। रिकवरी करने के लिए जैसे ही आप ब्लड डोनेट करते हैं तो तुरंत ही आप लिक्विडी सब्सटेंस पिए ताकि आपके अंदर ब्लड प्लाज्मा का अमाउंट बढ़ सके। आप प्रोटीन वाली चीज़ें लें, आप आयरन वाली चीज़ें लें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, अगर आप मांस वगैरह खाते हैं तो उसे आप खाएं, यानी कि अपनी प्रॉपर डाइट अगर आप लेते हैं तो अगले 6 से 8 हफ्तों में आपके बॉडी से जितना भी ब्लड निकला है वो सारा ही ब्लड आपके बॉडी में रिकवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके बॉडी में बेसिकली ब्लड की का जो अमाउंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी ब्लड डोनेशन के वक्त घबराना नहीं चाहिए। अगर आप 21 साल की उम्र के हैं या उससे ज़्यादा के हैं तो ऐसे में आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। एक और बड़ा सवाल आता है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए, या फिर किस उम्र के बाद ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति 50 इयर्स प्लस हो जाता है तो उसे बेसिकली ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है या फिर 50 प्लस हो जाता है, तो ऐसे में उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हो रही होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो ब्लड बनने का जो प्रक्रिया है, ब्लड बनने की, वो कहीं ना कहीं स्लो पड़ जाएगी। और अगर वो ब्लड डोनेट कर देता है तो ऐसे में 6 से 8 हफ्तों के अंदर उसके अंदर ब्लड की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, जिसकी कंडीशन में, जिसकी वजह से बेसिकली उसके अंदर किसी तरह की बीमारी या फिर किसी तरह की समस्या हो सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप 20 प्लस अगर हैं, 21 प्लस हैं, तो ऐसे में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 50 प्लस हो गए हैं तो ऐसे में आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। आप मान लीजिए अगर 50 kg के हैं या फिर इससे अबव हैं, 21 प्लस हैं, ठीक है, 50 से माइनस हैं, लेकिन आपके बॉडी में जो ब्लड का अमाउंट है वो बेसिकली 8 यूनिट से कम है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ऐसे में वो ब्लड जा करके ब्लड बैंक में स्टोर होता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है, और जितने भी ज़रूरतमंद होते हैं, जो भी पेशेंट वगैरह होते हैं, उनको आप ही का ब्लड बेसिकली उसका ब्लड ग्रुप, उसका RS फैक्टर चेक करके उसको दे दिया जाता है। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति की जान आपके खून से बेसिकली बचाई जा सकती है। इसलिए मेरी सलाह में आप ब्लड डोनेट जरूर करें। अगर आप ऐसी सारी रिक्वायरमेंट आपकी जो बॉडी में है वो अगर पूरी होती हैं, आप 21 प्लस हैं, 50 kg प्लस हैं, और आपके ब्लड में बेसिकली 8-12 यूनिट ब्लड है, तो ऐसे में आप ब्लड डोनेट जरूर करें। आपके आस पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति है, उसे अगर ब्लड की ज़रूरत है, उसे कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन बन गई है जिसकी वजह से उसके अंदर ब्लड की कमी हो गई, तो ऐसे में आप ब्लड डोनेट करके उसकी जान बचा सकते हैं और आप एक बड़ा पुण्य का काम भी बेसिकली कर सकते हैं। आई होप आपको इसके बारे में पूरी डिटेल मिल गई होगी। आपके जितने भी डाउट होंगे ब्लड डोनेशन के बारे में, रक्तदान के बारे में, सारे क्लियर हो गए होंगे। एक सिंपल सी, एक साधारण सी भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि इसके बारे में और लोगों को जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।